खापरखेड़ा पुलिस के अंतर्गत क्षेत्र में दिन ब दिन बड़े पैमाने पर गांजा और सट्टे के अवैध धंधे का बोलबाला शुरू है। कई दिनों से ग्रामीण परिसर में अवैध धंधे व अपराध की घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है। संबंधित प्रशासन अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रहा है। स्थानीय पुलिस अधिकारी एवं उनके साथी कर्मचारी कानून के ध्वज दबाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, जिसकी चर्चा खापरखेड़ा परिसर की जनता में होने लगी है। बताया जा रहा है कि खापरखेड़ा में सट्टा पट्टी लिखते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सट्टा व्यवसाय और भी कुछ अन्य जगह अवैध सट्टा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांजा गंजटी लोगों का भी क्षेत्र में बोलबाला है। कई युवा वर्ग ही नहीं बल्कि शालेय विद्यार्थी भी गांजा पीकर मंडराते हैं। ऐसे घोर धंधे की खबर डीबी पुलिस ऐसी भी पुलिस को मालूम नहीं है क्या? सब कुछ मालूम रहने के बावजूद भी तेरी भी चुप मेरी भी चुप के तर्ज पर अवैध धंधे चल रहे हैं। एक और देखा जाए तो पुलिस अपनी निक्रियता छुपाने के लिए यहाँ के कुछ सट्टा पट्टी लिखने वाले एक आदि को ले जाते हैं और नाम मात्र कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एलसीपी और स्थानीय पुलिस को अवैध धंधों के माध्यम से देन मिलती है, ऐसी गांव में चर्चा रहती है। फिर अवैध सट्टा गांजा जैसे अवैध धंधे बंद कैसे होंगे? इन सभी बातों की चर्चा क्षेत्र के नागरिकों में होती है। अवैध धंधों की मलाई से डीबी एवं एलसीबी पुलिस मालामाल बनते जा रहे हैं। उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा कमाई रहती है, ऐसी भी चर्चा लोगों में होती है। तेरी भी चुप मेरी भी चुप की तर्ज पर अवैध धंधों का कारोबार चलाया जाता है। सट्टा, अवैध शराब बिक्री, अवैध रेत जैसे अन्य कई अवैध धंधे बंद करने में पुलिस नाकामयाब रहेगी। तथा खापरखेड़ा क्षेत्र में आपराधिक घटना में बढ़ोतरी हो रही है। क्या खापरखेड़ा क्षेत्र में थानेदार को अवैध धंधे तथा आपराधिक घटनाओं पर ब्रेक लगाना नहीं जम रहा है क्या? ऐसे स्थानिक लोगों का कहना है। बताया जा रहा है कि जिस पर स्थानीय पुलिस अधिकारी अब इन अवैध धंधे को बंद करेगी क्या, ऐसा सवाल जनता करी है। एनवीएस न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।